देख सकते हैं विला कितने बड़े बड़े हैं। बैठने के लिए इनको जगह है, देखो कैसा प्रीमियम है सब स्टोर रूम में, जो खाना पकाने के लिए देखो अंडे बर्तन सब यहाँ। ये क्या तुम तो मैसूर स्टेट रेलवे नारो गेज को तुम नब भी दिखाने नारो को गेज जो महारानी के लिए यूज किया जाता, जो महारानी थे यूज करते थे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो हम पहुंचे हैं कहाँ के, तो रेलवे म्यूजियम, पीछे देख सकते हैं रेलवे म्यूजियम है, तो चलो अंदर गएंगे। यह एंटरिंग टिकट है 50 रुपए इसका फी। दोस्तों ये पहले इसका बहुत इस्तेमाल होता था, इसका नाम है बोर्ड गेज, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसे पुश ट्रॉली कहा जाता है। इसे किस लिए इस्तेमाल करते थे कहते, अभी पटरियां पर कुछ तो भी गड़बड़ी रही, इस ट्रॉली पर बैठ के पटरियां को चेक करते थे। इसे मीटर गेज कहा जाता है, इसे नैरो गेज कहा जाता है। पहले वर्षों में इसका बहुत पैमाने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी सीमेंट के आ रहे हैं। आगे दिखा तुम चलो। इसे सिंगल लीवर ग्राउंड फ्रेम कहते हैं, कई को इस्तेमाल होता कहते, तो अभी समझो पटरिया जुड़ाने के वास्ते ये इस्तेमाल किया जाता था। इसे 5 लीवर वायर फ्रेम कहते हैं, सेम जो पहले बताया था नहीं, सेम इसे भी उसके वास्ते यूज करते थे। अब देख सकते हैं कौन से पहला इंडोर गैलरी क्या है, ये सब है, सब देख लेते गएंगे। इसे मेरी वेदर स्टीम फायर पंप कहा जाता है। दोस्तों इसे इंस्पेक्शन कार कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कहते, तो पटरियां चेक करने, अगर पटरियां रेडी करने के लिए तो उसमें सब इक्विपमेंट सामान सब ले जाने को स्तर क्या है इस्तेमाल करता है। हाँ अंदर देख सकते हैं, आता मुआ धोने को स्तर एक सिंक है, बाद में इधर है तो यहाँ पर बैठने के लिए और सोने के लिए भी जगह भी है। ये जो लाल कलर का आप देख रहे हैं तो ये बोगी, इसे EMG इंस्पेक्शन कार कहा जाता है। EMG का मतलब मीटर गेज, जो मैं तुमने पीछे बताया था ना, वो जो पटरियां जो ट्रैक उसे क्या कहते हैं मीटर गेज, जो उसके ऊपर चलने वाली क्या एक इंस्पेक्शन कार है। कार कहते तो तुम्हें रोड पर चलने की कार समझने को। तो चलो अंदर गएंगे, अंदर यहाँ पर बैठने लंबा सीट है, सोने ऊपर जागा है, रोज उठ को मेकअप करने को अस्तर आईना भी दिया अपना थोबड़ा देखने। अगर टीसी को गर्मी होने लगी तो क्या दी, फैन दी लगा लेने कर को। और एक क्या कहते, ये जो पूरा बॉडी दिख रही तो डब्बे की पूरा लकड़ी सी बनाया गया है। यह जो आप देख रहे हैं तो ये सब क्या रेलवे के चक्के हैं, व्हील्स, यह उस जमाने के व्हील्स हैं, बहुत पुराने हैं। इनका साइज देखो, एक छोटा बड़ा बड़ा है, ये सब गोलू मोलू चोलो है। दोस्तों इसे नैरो गेज कोच कहा जाता है। नैरो गेज बोले तो तुमने समझाया था, नैरो गेज कहते तो जो लकड़ियां पर पटरा डाले तो उसे नैरो गेज कहते हैं। कोच कहते तो एक डब्बा, ये जो बोगी कहते हैं नहीं, कोच कहते हैं। ऊपर देख सकते हैं तुम्हें केज दिख रहा, प्रिजन बोले तो जेल टाइप रहता, तो कुत्ते को ले जाने को स्तर रखें, बाद मेन हो क्या लगेज ले जाने को स्तर यूज होने वाला एक ये बोगी है। यह जो रेल म्यूजियम है तो कौन इनॉग्रेट करेंगे कहते, तो उनका नाम है अजीज सेठ, इन्होंने एक मिनिस्टर थे, कहीं के कहते तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कर्नाटका। उस समय कौन से राजा थे कहते, तो कृष्ण दत्त नरसिम्ह राज वडियर थे। यह June 2, 1979 में इनॉग्रेट किए थे। यह जो आप देख रहे हैं तो एक कोट होल्डर स्टैंड है, जो ऑफिसर जो रहते थे उनके वास्तर ये बनाया गया था, कोट टंगाने के वास्तर। ये सब क्या है कहते, तो ट्रेन पटरियां के क्या है मॉडल है, पहला की वैगन, दूसरा VKC वैगन, तीसरा बॉक्स वैगन, चौथा ब्रेक वैन। ये किसे मालूम नहीं रहता, एक वजन काटा है इसके ऊपर वजन करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये कब तैयार करे थे कहते, 1884 में। यह जो आप देख रहे हैं तो ये IRS का मॉडल है, इसे बोगी कहते हैं, जो वुडन स्लीपर थे तो लकड़े के बीच में उसके ऊपर चलता है। कब इंट्रोड्यूस करे थे कहते, तो 1930-31 में। यह जो ब्रिज का मॉडल देख रही है, तब के जमाने के ब्रिज ऐसे होते थे, बहुत बड़ा बनते थे उसे, उसके ऊपर जो क्या रेलवे के ट्रैक्स रहते थे। यह भी वही सेम ब्रिज जो पानी के ऊपर रहता है, नदियों के ऊपर रहता है। और ये जो कॉमनली आप देख सकते हैं आपके इसमें जो स्टील है लोखंड का जो ब्रिज बनाते हैं, फिलहाल बड़े बड़े नदियों के ऊपर ऐसे ब्रिज है। यह एक स्टीम इंजन है, उसका एक मॉडल है, कैसा कहते हो यहाँ जो देख रहे हैं तो सिलेंडर टाइप, उसमें क्या रहता स्टीम क्या करता नीचे पास होता है, माइक्रोन दिख रहा है उसमें जाकर क्या करता प्रेशर दे, बात क्या पता व्हील फिरता। इस डिजाइन को कौन बिल्ड करेंगे तो उसका नाम है MN मोहन वेल आचार्य, 23/12/1979 में ये इन्वेंट करे थे।
I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock. जो महारानी के लिए यूज किया जाता, जो महारानी थे वाले थे यूज करते थे। फिर जो आप देख सकते हैं ये टोच है, जो भारी मसल था, इसमें सोने का गिने का सब इसमें देख सकते हैं, बड़ा बड़े बड़े। और देखो पूरा एक घर के रही जैसा, घर में कैसा रहता नहीं वैसा, पूरे ट्रैक्स दिखाया नहीं तुमने अभी। यह जो आप बोगी देख सकते हैं, स्पेशल बोगी है, जो स्पेशल किसके अवसर का, तो राजा महाराजा रानी महारानियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बोगी था। एक एकदम लग्जरियस बोगी है, इसमें हर एक जो जो चीज लगती तो घर में क्या करती सब इस बोगी में प्रेजेंट है। चलो दिखाता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं तुम्हें एक फ्रेम है जिसमें मंदिर है, बाद में ऊपर देखे तो फैन है, लाइट है, बाद में कुर्सी है, बाद में उसके बाजू में है तो देखे तो वहाँ क्या है, पलंग है उनको सोने के वास्ते, बाजू में है तो वहाँ एक ड्रेसिंग रूम भी है। यहाँ पर तुम्हें देख सकते हैं दो सोफे हैं, किसके लिए बने हुए, तो सर्वेंट रूम कहा जाता है, जो राजा महाराजाओं के जो नौकर रहते थे उनके वास्ते बनाया गया एक सेपरेट जगह, महाराजा महारानी वो स्टार्टिंग में रहते थे। अब देख सकते हैं कितना प्रीमियम है अंदर सब, हमारे टाइम भी अभी भी रहे कितना मस्त होता था नहीं। और यहाँ पर स्टोर रूम भी है, मैं ऊपर देख सकते हैं तुम्हें भांडे कुंडे सब भी हैं, भगोने डेकचियां हलगिया मलकी। उसके बाद आता जहाँ पर उन्होंने आग नहाने होना भी, गर्म पानी होना तो ठंडे पानी से तो नहाते नहीं थे, उन्होंने गर्म पानी का असर क्या, एक हीटर था और वहाँ से एक मोहरी है बाजू में, वहाँ से पानी लेकर नहाते थे। और उसके थोड़े बाजू में तो तुम्हें दिखता है किचन रूम, वहाँ पर खलबत्ता है, टेबल है, चूल्हा है, जो वॉकिंग भी रहता नहीं वहाँ पर, लाइट्स हैं। और थोड़ा बाजू में तुमने दिखता है एक डाइनिंग रूम, यहाँ पर क्या करते थे कहते हो, राजा महाराजा रानी महारानियों ने खाना खाने का एक सेपरेट रूम था जिसे डाइनिंग रूम कहा जाता है। ऊपर एक फैन है, एकदम लग्जरियस जी लग्जरियस, क्या बोलते हैं तुम, एसी एसी टू एसी थ्री जो भी नहीं, इसके सामने क्या भी नहीं, उतना मस्त है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ये देख सकते हैं, इधर एक दरवाजा है, और ये जो बाजू में बात देखती हूँ तुम्हें एक कटिंग है, कटिंग बोले तो ओपन एरिया, कई कहते तो दूसरे बोगी को जॉइन करे तो ये बोगी में से ये बोगी में जैसा एक रास्ता है। ये था राजा महाराजा उनकी एक सेपरेट बोगी। तुमने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हें सब्सक्राइब बाद में लाइक करेगा तो क्या मिलता, हमने एक मोटिवेशन मिलता, तो वो मोटिवेशन तुम्हें देना, ये पैसे कीसे क्या नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तुमने दिखा तो एक खूबसूरत फोटो फ्रेम्स है, जो पहला था मथुरा कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, उसके बाद आता फ्रेम एलोरा, उसके बाद में मथुरा का कृष्णा टेम्पल का फोटो फ्रेम है, उसके बाद में आता अलाहाबाद का फोटो फ्रेम, और उसके बाजू में देखे तुम्हें एक ड्रेसिंग टेबल है, उसके साथ आईना भी है, इसे ड्रेसिंग टेबल इसे वो जो बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल विथ सिंगल मिरर। दोस्तों इसका अगला पार्ट आने वाला है, बहुत बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत से पुराने से रेलवे के बारे में तुमने इंट्रोड्यूस करा तो जो तुम्हें देखे नहीं रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, बाद में कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये हम रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर की, तो तुम्हें कंप्लीट करते हैं अगर कोई भरोसा है तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।